हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट को भी आगे बढ़ा रहे हैं। पीछे वाले वीडियो अपन ने देखा था चट्टान जो होती हैं उनके बारे में अपन ने स्टडी किया था, और चट्टानों के जो प्रकार हैं वो अपन ने बात की थी कितने प्रकार की होती हैं और चट्टानों का निर्माण होता कैसे है, लावा ज्वालामुखी वगैरह क्या होते हैं, इसकी बातें की थी। आज अपने स्टूडेंट में बात करने वाले हैं, पीछे वाले वीडियो में देखा था कि चट्टानें होती मोस्टली ये तीन प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती चट्टानें? तीन प्रकार की जो चट्टानें थी उसके अपन ने बात की थी। और जो पहले वाली जो चट्टान थी वो कौन सी थी? आग्नेय चट्टान। कौन सी थी? आग्नेय चट्टान थी। इसकी अपन स्टडी कर चुके हैं कौन कौन से इसके अंदर हैं पदार्थ जो हमारे चट्टान के अंदर आते हैं, कितने प्रकार की थी, ये अपन ने बात इसके अंदर की थी। दूसरा जो अपन बात करने वाले हैं आज वो अपने पास में है औसादी चट्टान। कौन सी होती है दूसरी? आज अपन पढ़ने वाले किसको? औसादी चट्टान के बारे में पढ़ने वाले। औसादी चट्टान, औसादी जो चट्टान होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती हैं? पहली बात आपको पता होना चाहिए कि औसादी चट्टान का निर्माण किससे होता है? आग्नेय चट्टानों से। किससे होता है? आग्नेय चट्टानों से। इसका मतलब आग्नेय चट्टानों के अगर टूटने से, इनके टूटने से, आग्नेय चट्टान के टूटने से या अवक्षेपित होने से किसका निर्माण होता है? औसादी चट्टानों का निर्माण यहाँ पर होता है। इसका मतलब टुकड़े टुकड़े होने पर आग्नेय चट्टानों के जो पहाड़ होते हैं, जैसे भूस्खलन आप देखते हैं पहाड़ों से जो पत्थर वगैरह होते हैं उत्तराखंड वगैरह में हम देख रहे हैं भूस्खलन जो हो रहा है, उससे पत्थर टूट करके पानी के बहाव के साथ जा रहा है। अब ये पानी के साथ जो ट्रांसफर हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो वहाँ स्तर बन रहा है नदी के द्वारा। इसमें आपने नाम सुना होगा नदियों के ऊपर डेल्टा, किसका निर्माण होता है? नदियों के जहाँ पर है किनारे होते हैं उसका निर्माण होता है किसका? डेल्टा का निर्माण हो जाता है। और रियलिटी में देखें तो डेल्टा होता है ये डेल्टा, जैसे आजकल अपन देखें जो बजरी वगैरह होती है नॉर्मली अपन देखें, तो ये एक प्रकार की औसादी चट्टान है। क्या ये एक प्रकार की औसादी चट्टान ही होती है? जैसे नॉर्मली अपन बात करें औसादी चट्टानों में क्या क्या आता है, जितने भी अपने पास में स्टोन आते हैं, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम के जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे लाइम स्टोन, क्या नाम इसका? लाइम स्टोन। आपने नाम सुना होगा लाइम स्टोन का, लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट ये वाला, इसके अलावा एबोनाइट ये वाले एबोनाइट, ये भी क्या है? जितने भी एस्क होते हैं धातुओं के जो एस्क होते हैं, क्या होते हैं? धातुओं के जो एस्क होते हैं ये ठोस अवस्था के अंदर होते हैं, ये औसादी चट्टानों के अंदर ही पाए जाते हैं। किसमें होते हैं? औसादी चट्टानों के अंदर होते हैं। लाइम स्टोन, कैल्शियम कार, चूना पत्थर, उसको अपन कह रहे हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं इसको? चूना पत्थर, जो अपने चिनाई वगैरह में जो पत्थर काम आ रहे हैं चूना पत्थर होते हैं, इसको अपन बोलते हैं कली बोलते हैं इसको, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना जो अपने पास में है ये वाले हैं सभी इसमें आते हैं। कैल्शियम वाले तत्व होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जो होते हैं ये, मैग्नीशियम कार्बोनेट वगैरह जो होते हैं ये वाले इसके अंदर आते हैं, जिंक के जो होते हैं मेटल्स हैं इन सबके जो तत्व होते हैं कार्बोनेट है सल्फेट वगैरह जो होते हैं किसमें आते हैं? औसादी चट्टानों में। अब अपन देखें ये ठोस होती है, कैसी होती है? ठोस प्रवृत्ति की होती है, सबसे ठोस प्रवृत्ति की, और सबसे अधिक भी होती है कौन? आग्नेय चट्टान में, प्रकृति में सबसे अधिक आग्नेय चट्टान पाई जाती है। उसके बाद आते हैं 5-7% जो अपने पास में होते हैं, 5-7% कौन से चट्टानों का रूप होता है? औसादी चट्टानों का रूप होता है। कौन सा होता है? औसादी चट्टानों का रूप पाया जाता है, कुछ ज्यादा नहीं होती, बहुत कम जगह ही औसादी चट्टानें अपने को मिलती हैं। ये औसादी चट्टानें होती हैं, इनमें मुख्य रूप से सबसे अधिक आपके समय आते हैं लाइम स्टोन वगैरह जो होते हैं, लाइम स्टोन जो क्रिस्टल वगैरह जहाँ पर काम कर रहे होते हैं, ये जो बनाने का जो काम होता है वो कौन से चट्टानों के थ्रू होते हैं? औसादी चट्टानें। इसका मतलब ये क्या होती है? इनकी तुलना में कम कठोर होती, क्या होती है? कम कठोर प्रवृत्ति की होती है। इनकी कठोरता क्या होती है? कम होती है, कम कठोर प्रवृत्ति की होती है। ओके, ये अपने बात की किसके बारे में? औसादी चट्टानों के बारे में। और तीसरी और लास्ट अपने पास में जो चट्टानें स्टूडेंट्स कौन सी हैं? कायांत्रित। कौन सी हैं? कायांत्रित चट्टानें। कायांत्रित जो चट्टानें होती है देखो नाम से ही मालूम चल रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है ट्रांसफर हो जाना, एक से दूसरे के अंदर बदल जाना। अब एक से दूसरे में कौन बदलेगा? ये बदलेंगे आग्नेय चट्टान, औसादी चट्टान। इन चट्टानों के रूप परिवर्तन से बनने वाले तीसरे प्रकार की जो चट्टानें हैं कौन सी हैं? कायांत्रित चट्टानें। कौन सी हैं? कायांत्रित चट्टानें होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कायांत्रित चट्टानों का निर्माण होता है वो किससे होता है?
आग्नेय और अवसादी चट्टानों की अपक्षय होने से किसका निर्माण होता है? कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अब सबसे पहली बात आ गई कि जो कायांतरित चट्टानें होती हैं वो कहाँ देखी जाती हैं। कायांतरित चट्टानों की अगर अपन बात करें तो कायांतरित चट्टानों के अंदर जो बड़े पत्थर वगैरह होते हैं, कौन से वाले पत्थर हैं इस टाइप के, जैसे टाइल्स वगैरह जो बनाई जाती हैं, ये टाइल्स जो बनाने में काम आते हैं, ये ग्रेनाइट जो अपन बिछाते हैं नीचे वाला, इसी का दूसरे जो अपरिपक्व जो पत्थर होते हैं जिनको अपन कह सकते हैं कि ये आसानी से टूट सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये लचीली प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? लचीली प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? लचीले या नम प्रवृत्ति वाले होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, टूटने की प्रवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी भंगुर प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कि भंगुर प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? अवसादी और आग्नेय चट्टानों को दोनों को परिवर्तन रूप परिवर्तन होने से बनने वाली तीसरी प्रकार के अपने पास में है चट्टानों, कौन सी हैं? कायांतरित चट्टानें होती हैं। और कायांतरित जो चट्टानें होती हैं पृथ्वी के बहुत नीचे वाले भाग में पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसको अपन कह सकते हैं कायांतरित चट्टानों जो अपने पास में बालू मिट्टी वगैरह जो होती है, रेत डस्ट है, इसको अपने कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? डस्ट वगैरह जो होती है, जिस तरह की कायांतरित चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े चट्टानों के बड़े होते हैं पीछा जाता है। या कायांतरित चट्टानों की बात करें तो अपने पास में सीमेंट वगैरह जो होता है, सीमेंट की जो कंक्रीट होती है, क्या होती है? सीमेंट की जो कंक्रीट होती है, ये क्या होती है? एक प्रकार से कायांतरित चट्टान होती है। सीमेंट की कंक्रीट होती है जिसको अपन बोलते हैं बोरम, जिसे बोलते हैं रोड बनाने में काम आ रहा है, जो टुकड़े होते हैं टाइप से, वो जस्ट नहीं है। ये अपशिष्ट पदार्थ है किसके? आग्नेय और अवसादी चट्टानों के हैं, जो इनके रूप परिवर्तन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। ये कौन से आते हैं? कायांतरित चट्टानों के अंदर आते हैं। तो मोस्टली अपन देखें तो चट्टाने हैं वो तीन प्रकार के पाई जा रहे हैं, आग्नेय हैं और सबसे अधिक पाई जाने वाला भाग आग्नेय चट्टाने हैं, दूसरा अपन बात करें तो अवसादी जो चट्टाने होती हैं वो हैं, और तीसरी कौन सी होती है? कायांतरित चट्टाने। अब अपन बातें छोटा सा वॉल्टेंस के अंदर कि आग्नेय अवसादी और कायांतरित जो चट्टाने होती हैं इनकी प्रवृत्ति होती कैसी, कौन अम्लीय होती है, कौन क्षारीय होती है, किसका कितना पीएच मान वगैरह होता है। तो चट्टानों के प्रकार में अगर बात करें तो रासायनिक रूप से चट्टानें जो होती हैं ये अम्लीय भी हो सकती है और क्षारीय प्रवृत्ति की भी होती है। पर अपने देखा आग्नेय चट्टानें होती हैं अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रवृत्ति शुरू कर दी। अवसादी जो चट्टानें होती हैं इनमें कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम की अगर बात करें तो क्षारीय धातु कैसी होती है? क्षारीय। तो अवसादी जो चट्टानें होती हैं कैसी होती है? क्षारीय प्रवृत्ति। कैसी होती है? क्षारीय प्रवृत्ति की चट्टानें होती हैं। और कायांतरित चट्टानें, कायांतरित जो चट्टानें होती हैं जिसमें मिट्टी होता है अपने पास में किले, इसको अपन बोलते हैं सिलिका, जो अपने पास में कायांतरित चट्टानों का रूप है, इसका रूप ये छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, मिट्टी है वो एक प्रकार से कौन सी चट्टान है? कायांतरित चट्टान का रूपांतरण ही है, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं। सिलिका वगैरह होती है, क्ले वगैरह जो इसके नाम सुनेंगे अपने कायांतरित चट्टानों के नाम सुनेंगे, जैसे अपने पास में है क्ले है, या इसके अलावा अपन देखें तो अपने पास में सिडेराइट वगैरह होते हैं, सिडेराइट एस्क वगैरह जो होते हैं, जितने भी एस्क हैं धातु के एस्क होते हैं, सिडेराइट एबोनाइट, या अपने पास में है अभ्रक, जो अभ्रक होता है ये काफ़ी कठोर पदार्थ होता है अभ्रक, ये भी इसमें आता है कायांतरित चट्टानों के अंदर ही आता है। ओके, तो ये अपने देखा स्टूडेंट्स चट्टानों के प्रकार, उनकी क्या क्या विशेषताएँ पाई जाती हैं। इस चैप्टर के अंदर अपन चट्टानों का ये वाला पॉइंट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वाले टॉपिक में अपन इसकी अलग अलग प्रॉपर्टियों के बारे में बातें करेंगे। ओके, थैंक यू।